हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। सभी साथियों का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं जिसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन होंगे, तो जो कि आपकी DRDO कंप्यूटर कोपा तथा UPPS के TCL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन SK झा सर की कंप्यूटर बुक से लिए गए हैं, और ये क्लास आपकी सपोर्ट से ही चलेगी। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप हमको भी अच्छा नहीं लगेगा और क्लास को ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, PDF की बात करें तो PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको आंसर पता हो तो साथ साथ आंसर भी कमेंट करते चलें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसार का पहला गणन यंत्र है, ऑप्शन नंबर ए अबेकस, बी एनियक, सी Mark 1 और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी लोगों का सही आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबेकस। जो अबेकस है, संसार का पहला गणन यंत्र है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था, ऑप्शन नंबर ए अबेकस, बी एनालिटिक इंजन, सी कैलकुलेटर और डी प्रोसेसर। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी लोगों ने सही इसका आंसर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, सी बिल क्लिंटन द्वारा, सी चार्ल्स बेबेज द्वारा, डी मार्कोनी द्वारा। दोस्तों ये बहुत ही सरल आंसर है, ये आप काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज द्वारा, पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली, सी डगलस कार्स एंजल बर्ट और सी डी है सबीर भाटिया। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी लोगों का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, इससे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, आज पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर जनरेशन का आई से बी का सही अनुक्रम चुने, ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट, BSLI, माइक्रो प्रोसेसर, ULSI और माइक्रो प्रोसेसर। बी है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब एकीकृत सर्किट, BLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI और माइक्रो प्रोसेसर। सी है हमारा ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब ULSI माइक्रो प्रोसेसर एकीकृत सर्किट BLSI माइक्रो प्रोसेसर। और डी है हमारा वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट ULSI माइक्रो प्रोसेसर और BLSI माइक्रो प्रोसेसर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका पांचवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट BLSI माइक्रो प्रोसेसर ULSI माइक्रो प्रोसेसर। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया इसका। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर ए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दूसरी कंप्यूटर की पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6-7 है हमारा, कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए पहली पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी साथियों का सही आंसर आ रहा है, तो ऐसे ही आंसर देते रहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किस कंपनी के साथ थिंक पैड लैपटॉप का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए HP, TCS, इन्फोसिस, IBM। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IBM। अगर IBM की बात करें तो यह थिंक पैड लैपटॉप का संबंध है किसका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? ऑप्शन नंबर ए क्री एक्स एम पी 14, मेधा 93.0, सी सी डी सी डी सी 793.0 डैश 11 और डी है परम। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रे एक्स एम पी 14। चलिए दोस्तों, काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए एनिएक, बी सिद्धार्थ, सी परम और डी मेधा। चलिए दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका जल्दी जल्दी आंसर इसका। बहुत बढ़िया दोस्तों, कभी काफ़ी लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनिएक, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक था, एनिएक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। कंप्यूटरों के आविष्कार से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए मैकमिलन, रंगा भाष्यम, एडिसन और डी वेबीज। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वेबीज हैं उनको कंप्यूटर के साथ संबंध है, और अगर हम एडिसन की बात करें तो इन्होंने बल्ब की खोज की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। एरिथमोमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए एवंगेलिस्टा टोरिसेली, बी ए चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी ए एडवर्ड टेलर और डी ए गुस्ताव ताउसेग। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों इसका आंसर। और बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी साथियों का सही आंसर आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स जेवियर थॉमस। ऑर्थोमीटर का प्रयोग सबसे पहले चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन हमारा। ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति यानी मेमोरी इकाई से संग्रहित करती हैं किस संरचना पर आधारित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड, बी बेबीज और सी नोथ और डी वॉन न्यूमन। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमन। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी साथियों का सही आंसर आया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और सी है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता या कोलकाता। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारत का पहला कंप्यूटर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है कम्युनेशनल रिसर्च लेबोरेटरी CRL पुणे, ऑप्शन नंबर डी है इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, काफ़ी साथियों का सही आंसर आ रहा है, तो ऐसे ही आंसर देते रहिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, यहाँ पर भारत का प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद और डी मुंबई। चलिए दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका आंसर, जल्दी से जल्दी दीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई ने भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था। चलिए दोस्तों, बहुत ही काफ़ी साथियों ने सही इसका आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने थे? ऑप्शन नंबर ए निर्वात नलिका है, जिसको इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, सूक्ष्म कार्य संपादक जिसको माइक्रोसिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सूक्ष्म नियंत्रक जिसको माइक्रो कंट्रोलर्स कहते हैं, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी कमेंट करिए दोस्तों जल्दी जल्दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वात नलिकाएं, जिसको इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात नलिकाएं
ओके चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एनिएक एडवेक आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनिएक एडवेक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था? ऑप्शन नंबर ए 1946 से 1958, ऑप्शन नंबर बी 1940 से 1960, सी 1955 से 1964 और डी 1965 से 1975। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 से 1964, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1955 से 1964 ईस्वी तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किसमें प्रयुक्त किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए तृतीय पीढ़ी के संगणक, द्वितीय पीढ़ी के संगणक, चतुर्थ पीढ़ी के संगणक और डी है हमारा पंचम पीढ़ी के। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तृतीय पीढ़ी के संगठक। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी साथियों ने इसका सही आंसर दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, समाकलित, परिपथ चिप्स, नैनो पदार्थ और डी है अतिसंचालक। चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये हमारा, ये 100% आने लायक है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समकलित परिपथ चिप्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी चौथी पीढ़ी और डी तीसरी पीढ़ी। बहुत चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीसरी पीढ़ी। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी साथियों का सही आंसर आया है इसका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के और डी सोने के। चलिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, काफ़ी साथियों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कंप्यूटर है तो आवश्यक आईसी चिप समानता, इसका आंसर भी सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की, बी निकल की, सी आयरन की और डी सिल्वर की। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत लगाई जाती है। चलिए दोस्तों आज के ये हमारे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने जो वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके कमेंट सेशन में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। और दोस्तों आने वाली वीडियो में आज से भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का देखते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।